श्रद्धा कपूर को मिस करेंगे उनके फैंस एक विलन में। क्या एक विलन जैसा जादू बिखेर पाएंगे एक विलन दो की कास्ट? एक विलन की कौन सी उपलब्धियों को मजेदार रखते हैं मोहित सूरी बनाने जा रहे हैं इसका सीक्वल? सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर, रितेश देशमुख स्टार रोमांटिक थ्रिलर एक विलन 2014 की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक थी। फिल्म अपने विषय, कास्टिंग और संगीत के कारण पहले ही चर्चा में आ गई थी, लेकिन किसी को भी मोहित सूरी निर्देशन की उम्मीद नहीं थी कि वह 16.72 करोड़ रुपए के बजट की फिल्म इतनी बड़ी कमाई करेगी। उनका जीवन काल का एक विलन ने 105.62 करोड़ की शानदार कमाई की। 6 साल बीत गए लेकिन फिल्म आज भी यादगार बनी हुई है, खास करके इसके आत्मीय संगीत के बारे में। एक विलन की सक्सेस को देखते हुए पिछले साल की शुरुआत में ही मोहित सूरी और निर्माता एकता कपूर ने घोषणा की कि वे एक विलन के सीक्वल पर काम कर रहे हैं। और तो और, देखते ही देखते इस साल 1 मार्च से फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी, जिसकी शूटिंग जोरों शोरों से है। परियोजना के करीब एक सूत्र का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में बहुत सारी शूटिंग के लिए खेल को खराब कर दिया, लेकिन अब धीरे धीरे दुनिया भर में कई फिल्म उद्योग शूटिंग शुरू कर रहे हैं और इसमें बॉलीवुड भी पीछे नहीं है। अक्षय कुमार स्टार बेल बॉटम की इकाई ने पहले ही यूनाइटेड किंगडम में शूटिंग कर रहे में उन्होंने शूटिंग शुरू कर दी थी। बहुत ही कम समय में इसका पूरा भी कर लिया गया था। एक विलन के सीक्वल की स्क्रिप्ट भी तैयार हो चुकी है। फिल्म का टीम का भरोसा है कि वे इस साल के अंत तक फिल्म को पूरा शूट कर लेंगे। वे भारत और विदेशों में स्थानों का अंतिम रूप दे रहे हैं। अर्जुन कपूर एक विलन के कलाकारों में शामिल हो गए हैं और सूत्रों ने उत्साह रूप से कहा, यह सच है कि अर्जुन फिल्म का एक हिस्सा है। वह फिल्म में जॉन इब्राहिम से जूझ रहे हैं। ये देखना है कि फिल्म कुछ है। संयोग से इस फिल्म में जॉन के साथ आदित्य रॉय कपूर को साइन किया गया था, लेकिन आदित्य की इस परियोजना से बाहर निकलने के बाद अर्जुन बोर्ड पर आ गए। फिल्म दिशा पटानी और तारा सुतारिया इस साल के शुरुआत में एक साक्षात्कार में मोहित सूरी ने एक साक्षात्कार में कहा कि एक विलन दो बार बेनाम बदतर यानी बैड वर्सेस वर्स्ट के बीच लड़ाई के बारे में, और दूसरे शब्दों में विलन वर्सेस विलन की एक कहानी है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि दोनों कलाकार नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं, और ऐसी ही खबरें थी कि फिल्म के निर्माता फिल्म का शीर्षक विलन के रूप में, सूत्रों ने कहा कि पहले फिल्म का टाइटल दो विलन रखा गया था लेकिन फिर बाद में मेकर्स ने इसे बदल कर एक विलन रख दिया गया। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल बॉलीगार स्टूडियोज को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है दिव्या शर्मा ने।